हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के चीले जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के चीले बनाएंगे, पतले और जालीदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम बेसन के चीले। बेसन के चीले बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हम अजवाइन इस प्रकार से डालेंगे। इससे अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच नमक। अब अच्छे से मिलाएंगे। अब हम पानी डालेंगे, तो मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया। अब अच्छे से मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। बेसन के चीले बनाने में समय बहुत कम लगता है और इसको नाश्ते में खाया जाता है। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। 1 कटोरी पानी और डालेंगे हम। अब हमने 2 कटोरी बेसन लिया था, जिसपे हमने 2 कटोरी पानी डाला है। यदि बेसन थोड़ा सा मोटा है तो हम थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो अब हम इस प्रकार का घोल तैयार हो चुका है। अब हमारा इतना पतला बनना चाहिए, तभी हमारे चीले अच्छे बनते हैं। तो अब हम तवा गरम करने के लिए रखेंगे और तेल लगाएंगे। तो जो हमारा रोटी वाला तवा है, मैं उसी पर बनाकर बता रही हूँ आपको। तो तवा हमारा अच्छा गरम हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारे चीले चिपकना चालू हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो देखिए, अब हमारा तवा अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन का घोल तैयार करा, उसको हम इस प्रकार से डालेंगे और जल्दी जल्दी फैला देंगे। अब हम गैस को धीरे कर देंगे। तो देखिए, थोड़ा जब हमारा चीला हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। हमको लो फ्लेम पर ही गैस कर देना है। देखिए, हम पलटेंगे तो हमारे कितने अच्छे से चीला पलट चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो इसको हम पलट पलट कर सेंक लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए, अब हमारा कितना अच्छा चीला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चटनी बनाएंगे। तो हम हरी धनिया की चटनी बनाएंगे। इसके लिए धनिया, आपको हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर लेना है। मैंने टमाटर को भी काट लिया है, धनिया को भी साफ कर लिया था। मिर्च, अदरक और लहसुन हम सबको पीस लेंगे।
अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। अब हम इसको पीसेंगे। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। इस चटनी से चीले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारे चीले भी तैयार है और हरी चटनी भी बनकर तैयार है। आप इस प्रकार से टमाटर सॉस के साथ भी चीले को खा सकते हो। तो देखिए बहुत अच्छे चीले बने हैं। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।